कोई ले रहा है क्या ब्लॉग? वो बाबू एंट्री ले रहे हैं, तू क्या रो रहा है यार? क्या हुआ बिट्टू, क्या हुआ? सब जने वेट कर रहे हैं मुनु का वेलकम का। छोटा नमक, थोड़ी सी चावल, कंकू। ये छोटा भैया आएगा बेटा उसके लिए, अपने लिए नहीं। आप तो बड़े हो गए अब। आज है सेकंड डे और हम लोग आ गए थे रात को घर पे। प्रफुल, मोनू, मम्मी और मोनू के मम्मी ये थे हॉस्पिटल, और मोनू को आज डिस्चार्ज कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे वेलकम की तैयारी, सुबह उठे 7 बजे समथिंग, पहले तो घर का काम किया, झाड़ू पोछे, बर्तन कपड़े सब, ताकि मम्मी को आके कुछ भी नहीं करना पड़े। खाने वगैरह की तैयारी ये सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल गई थी कि ब्लॉग भी बनाना है। फिर मैं रेडी हुई, मतलब अब रेडी हो रही हूँ, तब मेरे को याद आया कि यार ब्लॉग भी तो बनाना था। क्योंकि क्या हुआ, अब डेली बेसिस पे ब्लॉग बनाना बंद हो गया तो ऐसा लगता है कि यार ब्लॉग बनाना नहीं बनाना है। तब तक तो फिर याद आया यार ब्लॉग तो शूट करना है आगे। तो अभी डेकोरेशन वाले को फ़ोन किया, डेकोरेशन वाला आ रहा है और केक मैं लेके आती हूँ। थोड़ी सी मैं रेडी हो जाती हूँ, रुद्रा को रेडी कर देती हूँ, बाकी सब रेडी हो गए। थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता कर लिया है, मोनू के लिए भी टिफ़िन भेज दिया वहाँ पे। अब बीबी को टीका लगेगा आज और वहीं से डायरेक्ट ये लोग सब घर पे आ जाएंगे। तो ये स्टार्ट हो गई इधर डेकोरेशन। हाँ छुप जा, तू छुप जा। और ये मंगवाए फ्लावर्स, इसे हम करेंगे यहाँ पे डेकोरेट। वो घूम रहा है मेरा रुद्रा। एक गुब्बारा है इसको दे देना वहाँ। हाँ। दे दो। तो मैंने तो वापस ड्रेस चेंज कर ली भाई, वो कुर्ता इतना ढीला था कि मेरे को कमेंट आते कभी फिटिंग करा के पहन लिया करो। हकीकत बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई और फिटिंग कराने जाने का टाइम मिलता नहीं है। अब मोनू भाभी के लिए केक लेके आ जाते हैं। यार इसमें पता है एकदम से पता नहीं क्या होता है, ये सनबर्न होने लग जाता है स्किन पे। जा जा। वाह ये देखो, अभी तो बैकग्राउंड थोड़ा वो करेंगे, बाकी डेकोरेशन मस्त है। अच्छा किया, अच्छा किया। केक वगैरह भी आ गया है। बेटा खाने की चीजें नहीं है, मम्मम नहीं है बिट्टू, ये तो फूल है। इसको अपन यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। देखो ओ ना ना मेरा बच्चा, अरे मेरी लाडो ले ले बच, ये से पूरे में ये से मैं गोती बेटी बेटा। खाने की चीजें नहीं है बेटा, मम्मम नहीं है ये। अरे रुद्र का वेलकम नहीं करना बाबू का करना है, हैं? दीदी आप क्या बना रहे हो? ये मैं बाबू के वेलकम के लिए। इसको यही चाहिए। हाँ बेटा, ये फूल और मिल जाएंगे क्या? थोड़े छोटे छोटे लगा था ना ऐसे का लाइट चला ना बड़ी वाली। और लेना मेरा रील लेना आप, उधर से उधर उसको, नहीं नहीं अभी नहीं, वहाँ उधर से लेना है। अबे थोड़े से तो अरे रख ले, बस हाँ इधर की तरफ बस ऐसे ही है।
रुद्र रिएक्शन रुद्रा का अरे ए, दिख पायो पे डालना ठीक है छोटा पैया ना देखा ले ले हाँ डालो ऐसे नहीं ऐसे ऐसे छोटा भैया आएगा बेटा उसके लिए अपने लिए नहीं आप तो बड़े हो गए अब हाँ। अब आपका लेवल अपग्रेड हो गया हेलो 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 ठीक है देखो ओ लो बोल देना उस राइट तेली में पीने पड़ी हो तो पीने मार दे पड़ी हो चल चल ठीक है दीदी क्या बस हो गया ना थोड़ा पानी लाना हम चाहिए थोड़ा सा पानी कम मत हम ये यहाँ पर कैसा हो गया कहाँ पे कोई नहीं मैं कर दूंगी वो तो सही कहाँ पहुँचे आ गए हो तो 15 मिनट हाँ हल्का सा मिला उसमें डालते छुट्टी हुई क्या ऐसे लेके आ रहे हैं तो चम्मच वगैरह है क्या कोमल मेरे पूरे हाथ इन सब गंदे हाँ वो वाइट कपड़ा वाइट कपड़ा हाँ निकालते हैं ना कहाँ मम्मी से पूछ के लेते कोमल दीदी ये क्या है इसे वो पाँव बनाएंगे बाबू के वाइट कपड़े पे लेके तो ये मैंने पहन लिया सूट रेडी हो गई बुआ फाइनली और ये रहा डेकोरेशन ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ डेकोरेशन कैसा किया है ओवरऑल यहाँ से आएंगे छोटे छोटे दिल के साथ यहाँ रखेंगे केक और ये वाइड एंगल पे ये रहा वेलकम इसमें बने हुए छोटे छोटे से बेबीज देखो और हर जगह लगा रखे हैं ये ब्लू कलर के फ्लावर्स छोटा नमक थोड़े से चावल कंकू ये सारी चीज़ें चाहिएगी चौपड़े में इसमें क्या है इसमें शायद कंकू ही है ये थोड़ा सा कंकू इसमें इसमें डाल दो नमक वही तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा चाहिए भाई बस थोड़ा सा वो नज़र वजर उतारने के लिए चाहिए होता है ना इसलिए ये माचिस माचिस भरी हुई है एक दीपक बना के रख देते हैं इसके अंदर इसमें दीपक रख देंगे और थोड़े से चावल चाहिएंगे बस बस काटते हैं एक बार ये रहा केक केक कैसा है अच्छा मेरा भाई आ गया खुला बधाई हो खुश रहो बड़े पापा बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई आओ आओ देखो आपको कैसी लग रही है डेकोरेशन एक बार देख बढ़िया ये एंट्री ठीक है हाँ आप केक लेके आ जाओ तो आने वाले हैं ये पिछले साल मेरा जापा कराने आए थे इस साल मोनू भाभी का जापा कराने आए हैं भाभी जी इधर से आना इधर से तो चलो बाबू घर पे आ गया फाइनली पापा बैठे हैं सबसे पीछे अच्छा मोनू भाभी आगे बैठे हैं ओके ये आ गई गाड़ी ठीक है आओ 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 अपन ले लेंगे फूल बाबू से भी डलवाना ना कुछ नहीं ये बाबू थोड़ा सा लेके फिर रख देना मैं कहीं पर रख दूंगी फिर आप भी डाल देना ठीक है चल एक बार मामा का क्वेश्चन है एक बार क्यों एक बार लाते हैं एक बार मामा
नहीं आशीष डाल दो, लो आ जाओ। अच्छा बड़ी मम्मी आ गई क्या? पटाखे यहीं फोड़ रहे हो क्या सारे एक ही साथ? रुद्र को अलग रखना, रील ले लेते हैं। रील पटाखे क्यों लाए यार, क्या यार? अरे बाबू डरेगा, वो छोटा वाला। अरे छोटा बच्चा डरेगा यार। क्या तो दूर रखेंगे ना इसको तो? मम्मी इसका सिर एक काम करो, फिर मम्मा कर देती। मैं तो आ जाऊं क्या? बोलो वो देख फूफा से क्या कर रहे, वो देख उधर, वो देख पापा क्या कर रहे, अपने पापा पापा क्या कर रहे, वो देख। वो बाबू एंट्री ले रहे हैं, तू क्या रो रहा है यार? क्या हुआ बिट्टू, क्या हुआ? मूड नहीं है, मूड नहीं है, अभी नहीं है मूड। सब जने वेट कर रहे हैं मुनु का वेलकम का। दुक 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 दुक।
लाऊंगा इसके। चलता हूँ। चलेगा। अरे वाह। लाओ। ले। ओ गुलाब का फूल। गुलाब का फूल खाते हुए आया। अरे। चल। आज लो आप माचिस लगा रहे। थाली बजा दो। थाली बजा दो। थाली लाना भैया हमारी भी। बाबू बाबू कहाँ बाहर बाहर कर दी। ताली बजो ताली बजो ताली बजो। चाकू तो यहाँ पड़ा था। ताली ताली तो यो काले खूब जल्दी थी। ये रुद्रा को भी ले रहे। हाँ रुद्रा आ जा जा देखे इसके मुंह पे नहीं आ जाए छींटे है ना। चलो छोटू भैया दूर है ना दोनों। ये ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। ये किलो हमारे मिठाई हमारे मामा जी को मिठाई खिलाई जाए। भरत जी मामा जी को मामा जी का मुँह मीठा हो गया। देवराज यार दिख ही नहीं रहा यार। वाह भैया बड़ी मम्मी। ये रहा रुद्रा अब सफाई भी कर दी है। ये रे एयर ड्रॉप से वीडियोस दे दो एक बार। रुद्र कैसे हंसता है एक बार बता। वो उधर देखो मम्मी क्या कर रहे हैं। हाँ जी आ गया तो पूरे घर में खुशी का माहौल है। सब जने बहुत खुश हैं। ये बुआ आए हैं मेरे। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने नन्हे राजकुमार का वेलकम किया। और एक महीने तक अभी हमने व्लॉग भी इसलिए नहीं डाला था कि फेस रिवील करने के पीछे का रीज़न यही था कि एक महीने का हो जाएगा उसके बाद में हम वेलकम वाला वीडियो भी डालेंगे उसमें फेस भी दिखेगा तो कोई इशू नहीं है। तो कुछ इस तरह से पूरी फैमिली ने मिलकर सेलिब्रेट किया। आपको कैसा लगा।